किसी भी स्मार्टफोन को बेस्ट बनाने के लिए उसके कुछ की हाइलाइट्स होते हैं, जैसे उसका चिपसेट, उसका कैमरा, उसकी डिस्प्ले, उसकी बैटरी, उसकी चार्जिंग, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है 5G कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे यही कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसके चलते बहुत सारे लोगों को पागल बनाया जाता है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट। लेकिन ये चीजें कहाँ तक कितनी वैल्यू देती हैं किसी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग, वो चीजें ज्यादा मैटर कर जाती हैं। यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 10 सीरीज की। अब इसके लिए डेडिकेटली वीडियो इसलिए बनाना बनता है क्योंकि ये एक मोस्टली अवेटेड सीरीज है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की, और रेडमी जो है साल में दो सीरीज लॉन्च करता है, लेकिन इस बार हमको कोविड-19 की वजह से ओनली एक सीरीज देखने को मिली, इसलिए भी इसकी चर्चाएं कुछ जोरों शोरों से चल रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन की हाँ, इस वीडियो को कंसिडर करने से यहाँ पे व्यूज थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे हमको। तो बेसिकली रेडमी नोट 10 सीरीज के साथ क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है, और अभी आने वाले टाइम में हमको मार्च के महीने में बेसिकली दो स्मार्टफोन सीरीज देखने को मिलेंगे सबसे बेस्ट, जो सबसे बेटर वैल्यू फॉर मनी डील प्रोवाइड करती हैं, जो है Realme की 8 सीरीज और दूसरी है Redmi की Note 10 सीरीज। तो Realme 8 सीरीज की हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, यहां पे 2016 Redmi Note 3 के टाइम से फेमस हुई इसी अपकमिंग Redmi Note 10 सीरीज की बात करते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूं कितने स्मार्टफोन हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो Redmi Note 10 सीरीज में हमको टोटली 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, Redmi Note 10, Note 10 Pro और Note 10 Pro Max, जहां पे Redmi जो Note 10 होगा वो बिल्कुल बेसिक लेवल का होगा और उसके बाद Pro Max हमको देखने को मिलेगा 5G कनेक्टिविटी के साथ। तो सबसे पहले मैं इसके बिल्ड, लुक एंड डिजाइन की बात करूं तो हमको Redmi का फेवरेट ऑलवेज ग्लास बैक हमको देखने को मिलता ही है। ये हमको फ्रंट एंड बैक में कॉर्निंग गोला ग्लास 5 के साथ देखने को मिलेगा और उसी के साथ 108 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा के साथ देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे प्रो और प्रो मैक्स की बात करूं तो यहां पे हमको टोटली न्यू डिजाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्रंट का जो होगा लुक वो हमको टोटली वैसा ही देखने को मिलेगा जैसे हमको Redmi Note 9 सीरीज में देखने को मिला है मिड पंच होल के रूप में। इसी के साथ हमको USB टाइप सी देखने को मिल जाएगी और इसी के साथ हमको सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाएगा नॉइस कैंसिलेशन के लिए। और चाहे सुपर एमोलेड वाला फोन आप कंसीडर करो, चाहे IPS LCD वाला करो, इसी Redmi Note 10 सीरीज में सारे ही जो फोन होंगे वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ आएंगे, एमोलेड के साथ भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिलेगा। और अब आपसे बात करूं मैं इसके डिस्प्ले की, तो Realme ने अपने आप में थोड़ा सा अपग्रेड किया है एमोलेड डिस्प्ले देके, लेकिन Redmi बहुत टाइम से IPS LCD को प्रोवाइड करे जा रहा है, चाहे वो उसकी MI के फोन्स में देख लो, पोको के फोन्स में देख लो, चाहे Redmi के फोन्स में देख लो। पिछली बार भी हमको कोई अपग्रेड नहीं देखने को मिला था और इस बार भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं स्टार्टिंग के 10 और 10 प्रो की बात करूं तो यहां पे जो स्टार्टिंग में नोट 10 और नोट 10 प्रो होंगे उसमें हमको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी 120 हर्ट्ज पे। अब जो ये डिस्प्ले होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है किसी भी स्मार्टफोन के लिए, इसलिए यहां पे कंपनी सबसे ज्यादा कॉस्ट कटिंग करती है। और उसके बाद एक वेरिएंट ऐसा होगा जिसमें हमको देखने को मिलेगा एमोलेड डिस्प्ले विद 60 हर्ट्ज नॉर्मल रिफ्रेश रेट। यहां पे मिड में पंच होल देखने को मिलने वाला है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम होंगी, लेकिन डिस्प्ले में एक में हमको एमोलेड डिस्प्ले 60 हर्ट्ज के साथ और बाकी में IPS LCD 120 हर्ट्ज के साथ देखने को मिलेगा। और जो एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहा है उसमें हमको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और उसके साथ हमको 4G कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, मतलब IPS के साथ 5G कनेक्टिविटी होगी और एमोलेड के साथ 4G कनेक्टिविटी होगी। तो इस चीज को आपको ख्याल रखना है। और अब बात करूं मैं इसके ताकत की, इसके प्रोसेसर की, जहां पे सबसे ज्यादा लोग वेट करते हैं क्योंकि Redmi की जो नोट सीरीज है वो काफी वैल्यू फॉर मनी डील में हमको प्रोवाइड करती है गेमिंग प्रोसेसर। तो जो एमोलेड डिस्प्ले के साथ फोन आने वाला है उसमें हमको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 678। अब 678 बिल्कुल वैसा ही प्रोसेसर है जैसा हमको 675 देखने को मिला था और ये हमको देखने को मिला था Redmi Note 7 Pro में। अब ये बिल्कुल वैसी ही परफॉर्मेंस हमको प्रोवाइड करने वाला है, लेकिन यहां पे एमोलेड डिस्प्ले होगी ना कि IPS LCD और फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आएगा। और उसके साथ जो दूसरे दो वेरिएंट होंगे उसमें हमको एक में देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 732Z IPS LCD के साथ और उसी के साथ जो तीसरा फोन होगा वो 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा Qualcomm स्नैपड्रैगन 768 के ऊपर। अब ये जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमको स्नैपड्रैगन 765 देखने को मिलता है OnePlus Nord में। और जो एमोलेड डिस्प्ले के साथ और 4G कनेक्टिविटी के साथ फोन आ रहा है उसमें हमको 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा ही देखने को मिलेगा। तो आपने एक चीज यहां पे अगर नोटिस की हो तो कैमरा में हमको डाउनग्रेड देखने को मिला है और इसी के साथ प्रोसेसर में भी डाउनग्रेड देखने को मिला है, लेकिन जो डिस्प्ले है उसमें हमको अपग्रेड देखने को मिला है एमोलेड के रूप में। वहीं जो दूसरे IPS LCD वाले फोन होंगे उसमें हमको 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा और इसी के साथ 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट होगी और 5G कनेक्टिविटी होगी। तो इससे आप एक चीज का
पता लगा सकते हो कि डेफिनेटली डिस्प्ले की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बाकी कंपोनेंट्स के। तो यहां पे हमको 4G कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का कैमरा और 108 मेगापिक्सल के साथ देखने को मिलने वाली है 5G कनेक्टिविटी। और इसी के साथ हमको 4GB 64GB और 6GB 128GB के रैम वेरियंट देखने को मिल जाएंगे और MIUI 12 और एंड्रॉइड 11 पे आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। और यहां पे सारी चीजें वैसे ही ठीक काम करती है लेकिन जो MIUI 12 है ना वो इतना गंदा और इतना ज्यादा भारी है ना, अगर मैं बात करूं नॉर्मल प्रोसेसर्स के लिए तो उसके लिए हैंडल करना ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। चाहे वो डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की हो फिर भी MIUI 12 में नॉर्मल प्रोसेसर के साथ वो बिल्कुल फील नहीं करवाने देता कि हम 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहां पे मैं MIUI 12 और 12.5 की बात करूं तो इसको काफी लाइट वेट करने की जरूरत है क्योंकि काफी हैवी हो जाता है किसी भी नॉर्मल प्रोसेसर के लिए। और अब आपसे बात करूं मैं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो बेसिकली जो हमको IPS LCD के साथ फोन देखने को मिलने वाला है वो 5000 mAh की बैटरी के साथ देखने को मिलेगा 27 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ। और वहीं जो दूसरी तरफ हमको AMOLED डिस्प्ले के साथ देखने को मिलने वाला है वो हमको ऑलमोस्ट 4700 mAh की बैटरी के साथ देखने को मिलेगा 27 वोल्ट या 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले जो होता है वो बैटरी कम कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू IPS LCD के। और वहीं हमको जो हायर वेरिएंट्स हैं प्रो और प्रो मैक्स दोनों में ही हमको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये काफी कमाल चीज बन रही है कि हमको 20,000 से नीचे की प्राइस रेंज में हर दूसरे फोन में स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हमको एक चीज और सबसे बड़ी जो अपग्रेड देखने को मिलेगी वो होगा हैप्टिक फीडबैक। आपने किसी भी फ्लैगशिप डिवाइस को यूज किया हो तो उसके अंदर कितने कमाल के हैप्टिक फीडबैक्स होते हैं वैसे ही हमको Redmi Note 10 सीरीज के साथ देखने को मिलेंगे प्रो और प्रो मैक्स के साथ। तो ये काफी कमाल चीज बन जाती है, मतलब यूज करते हुए जो वाइब्रेशन मोटर है उन सबको सारी चीजों को इंप्रूव किया गया है, तो हमारा जो एक्सपीरियंस होगा वो एक नेक्स्ट लेवल पे होगा फ्लैगशिप की तरह। और उसके बाद बात करूं इसकी प्राइस की, तो बेसिकली हमको ये देखने को मिलेंगे 15,000 उसके बाद 18,000 और उसके बाद 21,000 की प्राइस रेंज में तीनों ही स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट्स। और ये जो सीरीज है वो हमको लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी 4th of March को, मतलब टोटली 4 दिन बाकी हैं, 4 दिन के बाद सारी कहानी होगी बिल्कुल आपके सामने। तो मैं एक ओवरऑल बात करूं कि इसके लिए कितना वेट करना बनता है, तो जो Realme 8 और Redmi Note 10 सीरीज है वो ऑलमोस्ट सेम से स्पेसिफिकेशन और सेम सी प्राइस को लेके आएंगे, तो दोनों का वेट करना डेफिनेटली बनता है। और यहां पे हमको अगर Redmi Note 10 सीरीज में मैं अपग्रेड की बात करूं तो एक हैप्टिक फीडबैक में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा और इसी के साथ हमको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रही है तो वो भी काफी कमाल की चीज होगी, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं तो वो भी अपने आप में काफी ठीक चीज है, और जो बिल्ड एंड लुक में इंप्रूवमेंट किया गया है वो भी काफी कमाल है। तो बस ये है कहानी इसी Redmi Note 10 सीरीज की, Redmi Note 10, Note 10 Pro और Note 10 Pro Max की। बाकी आप लिख के बताओ कि आपका क्या है मानना कि क्या हो सकता है और क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इसी Redmi Note 10 सीरीज से। तो बस यार आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इसके साथ करना है सब्सक्राइब। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे और मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।